शुक्रिया समीप। तो खबर गुरुग्राम से आई आज, जहां पब्लिक प्लेसेस पर नमाज को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है। स्थानीय लोगों के विरोध के चलते आज कई जगहों पर जुमे की नमाज नहीं अदा की गई। नमाज का विरोध करने वाली संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने आज नमाज वाली दो जगहों पर गोवर्धन पूजा भी की। इसमें से एक प्रोग्राम में विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के नेता भी पहुंचे। उनका कहना था कि गुरुग्राम में बिना परमिशन के खुले में नमाज हो रही थी और उसे रोक दिया गया। तो वहीं कुछ विदेशी मीडिया और असदुद्दीन ओवैसी ने इसे इस्लामोफोबिया करार दिया। सच क्या है, पूरी खबर देखिए हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। पब्लिक प्लेस पर इबादत कितनी सही कितनी गलत, देश की राजधानी दिल्ली से कुछ ही दूरी पर गुरुग्राम में सार्वजनिक ठिकानों पर पूजा पाठ का विवाद काफी बढ़ गया है। यहां सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने का स्थानीय लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध की कड़ी में गुरुग्राम के सेक्टर 12 और 47 में आज उन जगहों पर गोवर्धन पूजा की गई जहां पर अब तक नमाज होती आई थी। सेक्टर 12 के प्रोग्राम में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेता भी पहुंच गए। पहले नमाज, फिर मजार, फिर हजार और सब कुछ हमारा। विश्व के 56 देश ऐसे बन गए। ये बात सबको समझनी होगी कि जितना दबाओगे, जितना अत्याचार करोगे, हम बड़े शांति से रहने वाले लोग हैं, व्यक्तिगत मानते हैं अपने धर्म को, सार्वजनिक नहीं मानते हैं, लेकिन अगर दबाओगे तो वही होगा जो कल रात को पूरे देश में हुआ है। मैं कहूंगा खुले में नमाज, आप कहेंगे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खुले में नमाज नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खुले में नमाज नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सड़कों पर नमाज नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सड़कों पर नमाज नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पार्कों में नमाज नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पार्कों में नमाज नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वैसे तो गुरुग्राम प्रशासन ने दिवाली से पहले ही शहर में 8 खुली जगहों पर नमाज पढ़ने की इजाजत वापस ले ली थी, मगर खुले में नमाज का विरोध करने के लिए बनी संघर्ष समिति इतने भर से संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि गुरुग्राम में उन बाकी पब्लिक प्लेसेस पर भी नमाज पढ़ना बंद कराया जाए जहां के लिए अभी प्रशासन ने इजाजत दे रखी है। 12 सेक्टर झांकी है, सेक्टर 12 झांकी है। अभी किसी वक्ता ने कहा कि वो कह रहे थे कि हमको नमाज पढ़ने के लिए जगह जगह दी थी, तो जगह दी थी 1947 में। तुमने माना था, नहीं तो कहा था हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारी संस्कृति अलग है। और ध्यान करना मुस्लिम नेताओं, मुझे बताया गया था कि कुछ लोग यहां पर आना चाहते थे, गोवर्धन की पूजा में शामिल होना चाहते थे। गोवर्धन पर्वत बड़ा पवित्र पर्वत है, कोई नापाक हाथ इस पर्वत को लग जाए ये हम स्वीकार नहीं। गुरुग्राम में खुली जगहों पर नमाज को लेकर पिछले कई शुक्रवार से विवाद चला आ रहा है। गुरुग्राम के सेक्टर 47 और सेक्टर 12 में रहने वाले पिछले 2-3 हफ्ते से खुले में नमाज का विरोध कर रहे थे और नमाज पुलिस प्रोटेक्शन में हो रही थी। खुले में नमाज बंद करो, बंद करो, भारत माता की। दिवाली के बाद संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति और स्थानीय लोगों ने गोवर्धन पूजा के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन किया, लिहाजा कई ऐसे ठिकानों पर नमाज नहीं हो सकी जहां पहले होती रही थी। इन्हीं में से एक गुरुग्राम का सेक्टर 12 भी था जहां आज नमाज वाली जगह पर गोवर्धन पूजा हुई। 2018 में गुरुग्राम में 90 से 100 खुली जगहों पर नमाज हो रही थी। लोगों के विरोध के बाद प्रशासन ने दोनों पक्षों के बीच सुलह कराई। उसके बाद से हर शुक्रवार को 37 ठिकानों पर खुले में नमाज पढ़ी जाने लगी। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि नमाज के लिए ये जगहें प्रशासन ने ही तय की थी और उस वक्त स्थानीय लोगों ने इस पर रजामंदी भी जताई थी। अब बेवजह ही विवाद खड़ा किया जा रहा है।
बात ये हुई थी कि नमे के जो डीसी साहब के और हमारे बीच में और हमने हिंदू समाज के जो 20-22 जगहों पर नमाज होगी, हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन 3-4 जगह इन लोगों के आदमी पहुँचे वहाँ, उन्होंने वहाँ का माहौल ख़राब किया है और नमाज वहाँ नहीं होने दी है। हिंदू वाहिनी का या हिंदू संयुक्त मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं महावीर जी, उन्होंने कुछ दिन पहले एक आह्वान किया था कि हम 37 की 37 जगहों पर नमाज नहीं होने देंगे, और हमारी सहमति परसों डीसी साहब की और हमारी सबकी सहमति बन गई थी कि आपकी जो है ना 20-22 जगह पर आप नमाज पढ़ सकते हैं। और आज सुबह भी हमारी उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई आदमी नहीं जाएगा, और अगर कहीं कोई आदमी जाता है तो आप हमें बताइए, हम उसको, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी 2-3 जगह दिक्कत आई है। ये जगहें जो हैं सरकारी हैं और सरकारी ज़मीनों का मालिक सरकार है, प्रशासन है। हमने उस वक्त भी उनसे इजाज़त ली थी और अब जितनी 20-22 जगह बची हैं अभी भी वहाँ पर नमाज होती है। नमाज का विरोध कर रहे स्थानीय लोग और संगठन मुस्लिम पक्ष के इस दावे को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि नमाज के लिए जिन 37 ठिकानों की लिस्ट मुसलमान दिखा रहे हैं, उनकी ना तो प्रशासन ने लिखित इजाजत दी थी और ना ही इस पर स्थानीय लोगों की सहमति शामिल है। हुआ था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये तय हुआ था, फिर उसके बाद भी दिक्कत। जो आप कह रहे हो वो म्यूचुअली नहीं हुआ था। सेक्टर के प्रधान सुनील जी उस टाइम भी यही प्रधान थे, यही रेजिडेंट थे। एक भी रेजिडेंट से सलाह नहीं ली गई कि भाई यहाँ नमाज का जगह अलॉट की जाए। विरोधी इसलिए भी ज्यादा बढ़ाया कि भाई हमारे से कहा म्यूचुअली कहा हुआ। फिर म्यूचुअली तब होता कि अगर ये लोग कहते हैं हाँ ठीक है भाई हमें कोई ऐतराज नहीं, पढ़ लो यहाँ, तब म्यूचुअली होता ना, तो म्यूचुअली नहीं था ये। स्थानीय लोगों की सिर्फ यही शिकायत नहीं है, उनका ये भी कहना है कि खुली जगहों पर नमाज पढ़ने के लिए जो लोग आते हैं वो स्थानीय नहीं है, वो कहीं बाहर से आते हैं। उनके ऐतराज की ये भी एक बड़ी वजह है। कपिल जी, नमाज तो आप जो है ग्राउंड में करने नहीं दे रहे। मैं देख रहा हूँ कि आप जो है गोवर्धन के दिन अन्नकूट का भंडारा कर रहे हैं, तो अगर आपका अन्नकूट का भंडारा हो जाए तो दूसरे की नमाज में क्या दिक्कत? हम सर साल में एक बार कर रहे हैं और वहाँ पे हम करते हैं और घर चले जाते हैं। सब लोकल रेजिडेंट्स के लिए है। अगर हमारे, मैं 145 में रहता हूँ, अगर मेरे कोई पड़ोसी यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी आपने देखा होगा कोई कारपेंटर आया यहाँ पे, कोई कबाड़ी आया, वो यहाँ का रेजिडेंट नहीं है, ये आसपास के कहीं पे काम कर रहे हैं वो लोग हैं। सो फ्रॉम सिक्योरिटी और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक कोई भी अलाउ नहीं करेगा। स्थानीय लोगों के इसी कड़े विरोध के चलते स्थानीय प्रशासन ने गुरुग्राम में 8 पब्लिक प्लेसेस पर खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत वापस ले ली। इसी वजह से जुमे की नमाज के लिए आए कई लोग इन जगहों पर इबादत नहीं कर सके। यहाँ किस लिए आए हैं? नमाज के लिए आते हैं। नमाज के लिए? तो यहाँ कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं, बख्तावर चौक पर रहते हैं। अच्छा, बख्तावर चौक पे। तो यहाँ पर ही नमाज के लिए क्यों आते हैं आप? मस्जिद वगैरह क्यों नहीं जाते? मस्जिद है ही नहीं यहाँ तो, और हमारे नमाज आते हैं, नमाज होती है तो आते हैं नमाज। अच्छा, कुछ पैसे वगैरह भी देते हैं मौलवी साहब को जो नमाज पढ़ाते हैं? नहीं, पैसे से नहीं देते। पैसे वैसे नहीं देते? तो कौन बताता है आपको कि यहाँ पर नमाज होगी और जाइए? कब से आप आ रहे हैं? कब से नहीं, हम तो यहाँ 2-1 बार जुम्मे आते हैं बस, यहाँ रहने वाले पता है नमाज होती है तो आते हैं नमाज पढ़ने, ना तो नमाज पढ़ने नहीं आते। अच्छा, 2-1 बार ही आए हैं। आपको मालूम नहीं है कि यहाँ पे नमाज को लेकर जो है विरोध कर रहे हैं लोकल लोग कि भाई खुले में पब्लिक नहीं प्लेस में? मेरे को मालूम नहीं है। आपको मालूम नहीं? क्या करते हैं आप? कारपेंटर कर रहे हैं हम, लकड़ी का काम करते हैं। खुले में नमाज पढ़ने वालों का कहना है कि गुरुग्राम एक औद्योगिक शहर है, यहाँ बाहर से बहुत लोग काम धंधे की तलाश में आकर रहते हैं, इनमें बड़ी संख्या मुसलमानों की है। ऐसे ही लोगों को हर जुमे या शुक्रवार को नमाज के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है। उनका कहना है कि गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ना मजबूरी है क्योंकि पर्याप्त संख्या में मस्जिदें नहीं है। वो इबादत को लेकर हो रहे विवाद से निराश है। कितने टाइम से आप यहाँ पर पढ़ा रहे हैं नमाज? यहाँ तो 4 साल मुझे यहाँ हो गई, उससे पहले वहाँ पढ़ा रहा था मैं, 8 साल मुझे हो गए तकरीबन। अच्छा, तो ये विवाद क्या है जो अब यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा? अब आप देख तो रहे हैं भाई। नहीं, आपके हिसाब से जानना चाहता हूँ। मैं क्या बताऊँ आपको, अब बेचारे दो चंद साथी हैं जो RKW के हैं, उन्हें कोई दिक्कत है कि यहाँ नमाज ना पढ़े। अब जैसा प्रशासन कहेगा और कह रहा है, हम खुशी से उस पर लब्बैक हैं। जहाँ दूसरी जगह के लिए वहाँ पढ़ लेंगे। अच्छा, हमें तो भाईचारा बढ़ाना है और भाईचारे के साथ हमें यहाँ रहना है, हम रहते हैं और रहेंगे, सबसे मिलकर के रहेंगे, हमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। खुले में नमाज क्यों पढ़ना चाहते हैं आप लोग? कहीं मस्जिद में, ईदगाह में, कहीं पे भी आप वहाँ पे? हमारे यहाँ मस्जिदें बहुत कम है, नहीं गुड़गांव में तो 3 ही मस्जिद हैं,
पुराने में हैं कुछ मस्जिदें और 5-6 लाख के हम मुसलमानों की आबादी है जो बेचारे यहाँ कारोबार करने के लिए आए हैं, मजदूर तबका आया है, तंगाई की वजह से इस तरीके से हम यहाँ नमाज पढ़ते हैं, वरना किसको खुशी होती है यहाँ चट्टल मैदान नमाज पढ़ने की। तो यहाँ पे कौन कौन लोग आते हैं, क्या यहाँ पे काम करने वाले या लोकल लोग हैं जो रहते हैं? काम करने वाले भी आते हैं, सेक्टर जो लोग वो भी आते हैं बेचारे, जो सेक्टरों में रहते हैं वो भी आते हैं, यहाँ तरफ से भी लोग आते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज कौन करता है पूरी नमाज को? मैं देख रहा हूँ आपकी गाड़ी में बहुत सारे मैट हैं और बहुत सारे जो है बर्तन हैं। बहुत सारे नहीं है, 4-5 लोटे हैं जो वो करते हैं, 4 चटाइयां हैं, काफी सारी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आप देख लेता हूँ, ये देखिए, हाँ ये काफी लोगों के बैठने की जगह है, तकरीबन 100 आदमी आ सकते हैं आराम। जी जी जी। वहीं खुले में नमाज का विरोध करने वाले स्थानीय लोगों का तर्क है कि नमाज के बहाने असामाजिक तत्व इकट्ठा हो जाते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि बाहर से आकर लोग यहाँ नमाज पढ़ें। वो अपने मतलब घर पे करें, खुले में नमाज ना करें, हमारे को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम भी मतलब यहाँ पे रहते हैं, यहाँ बच्चे खेलते हैं हमारे, तो इसलिए ठीक नहीं है। विरोध का मेनली यही कारण है कि यहीं आसपास सारे घूमते हैं, यहाँ पे निकलना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, और खुले में नमाज पढ़ना थोड़ा अलग हो जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।